सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब इन नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के कानूनों का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही भी तय की गई है। सोशल मीडिया पर अब नहीं चलेगा देश विरोधी खेल। देश विरोधी खेल पर केंद्र ने लगाई नियमों की नकेल। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टेक कंपनियों की मनमर्जी अब भारत में नहीं चलेगी। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों के मनमाने रवैये पर लगाम कसने के लिए नए आईटी नियमों को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में जो बदलाव किया है उसमें यूजर्स चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं। बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। इसको प्राथमिकता दी गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ा दी गई है। अब ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अल्गोरिदम की आड़ में मनमानी नहीं चला पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नए नियम हैं जिनका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। सोशल मीडिया कंपनियों को आपत्तिजनक और हिंसक पोस्ट पर 24 घंटे में एक्शन लेना होगा। हिंसा फैलाने वाले पोस्ट पर कार्रवाई तय की जाएगी। टेक कंपनियों को भारत के संविधान का पालन करना होगा। सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यूजर्स की शिकायत पर 24 घंटे में संज्ञान लेना होगा। 15 दिनों में शिकायतों का समाधान जरूरी होगा। नई सरकारी अपील कमेटी बनेगी। 3 महीने में अपील कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि शामिल होगा। अपील समिति में शिकायत की जा सकेगी। भारत की संप्रभुता के खिलाफ पोस्ट पर कार्रवाई होगी। नए आईटी नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को ये भी तय करना होगा कि सही और वैध कंटेंट ही प्रकाशित हो, अश्लील और यौन शोषण का कंटेंट अपलोड ना हो। कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रेरित करने वाले कंटेंट पर रोक लगानी होगी। जाहिर है सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चिंता जता चुके हैं। ऐसे में नए आईटी नियमों के आने से सोशल मीडिया कंपनियों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन बंगाल टाइगर्स के लिए मशहूर है। इसी सुंदरवन के डोबंकी इलाके में नदी के किनारे पर दो बाघों की कुश्ती की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। बाघ फाइट की ये तस्वीरें नदी के दूसरे किनारे पर खड़े एक शख्स ने अपने मोबाइल पर कैद कर ली, जिसमें दो टाइगर फाइट करते नजर आए। पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन के डोबंकी का जंगली इलाका, इसी इलाके से गुजरने वाली ये नदी पूरी तरह से शांत नजर आ रही है, लेकिन नदी के उस किनारे पर एक बाघ दिखाई देता है तो दूसरे किनारे पर खड़े लोगों में हलचल तेज हो जाती है। हालांकि वीडियो में लोग नहीं दिख रहे, लेकिन उनकी आवाज आ रही है। ये बाघ कुछ देर तक नदी के किनारे बैठा रहता है और फिर उठकर खड़ा होता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ दूसरे बाघ की एंट्री होती है। अपने सामने दूसरे बाघ को देखकर पहला बाघ कुछ पल के लिए थमता है और रास्ता बदलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही पहला बाघ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी दूसरा बाघ उसे देखकर गुर्राने लगता है और उसके ऊपर हमला बोल देता है। दोनों बाघ एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन नदी के किनारे पर ढलान होने की वजह से दोनों नदी में जा गिरते हैं। इसके बाद दूसरा बाघ पानी से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन दूसरा टाइगर फिर किनारे पर ही रुक जाता है। कुछ समय बीतने के बाद दूसरा बाघ भी रास्ता बदलकर जंगल के दूसरे छोर की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद की तस्वीरें हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जंगल में बाघों के मल्लयुद्ध की ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बनें।